ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर का बड़ी खबर, जहां सीएम विष्णुदेव साय का धुआंधार प्रचार प्रसार जारी है। जी हां, आज भी ओडिशा के 3 सभाओं को करेंगे संबोधित, सुंदरगढ़ जिले में भी 3 सभाओं को संबोधित करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। रायपुर से सुबह 10:20 पर सुंदरगढ़ के लिए होंगे रवाना, 3 सभाओं के बाद शाम 5:15 पर रायपुर लौटेंगे सीएम। तो ओडिशा दौरे पर लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, आपको बता दें बीते 3 दिनों से बने हुए हैं, कल भी ओडिशा के कई सारी जनसभाओं को संबोधित किया था और आज एक बार फिर से ओडिशा दौरे पर है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। चुनाव की प्रचार प्रसार कमान संभाल रखी है उन्होंने और 3 सभाओं को आज भी संबोधित करने वाले, सुंदरगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें शाम 5 तक वापस रायपुर लौटेंगे। धुआंधार प्रचार प्रसार 10 आज रायपुर से एक बार फिर उड़ीसा के लिए रवाना होंगे और शाम को 5 रायपुर लौटेंगे सीएम विष्णुदेव साय। लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार उड़ीसा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा जारी है। तो इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की साय सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने नक्सल ऑपरेशन से मिल रही कामयाबी पर खुशी भी जाहिर की है। शाह ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद 112 नक्सली मारे गए हैं, वहीं 375 नक्सलियों ने सरेंडर किया है जबकि 153 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगले 2-3 वर्षों में देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इस दौरान शाह ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस एनकाउंटर को फेक करार देती है, जिसका बुरा वक्त आता है भगवान उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट कर देता है। कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही हुआ है। वहीं इस मामले पर अब कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री तामदास साहू का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो, यह हम सभी चाहते हैं। भाजपा सरकार की नक्सलवाद को लेकर नीति स्पष्ट नहीं है, कहीं नक्सलियों से बातचीत की बात कहते हैं, कभी नक्सल ऑपरेशन और एनकाउंटर करते हैं। अब छत्तीसगढ़ के 3-4 जिलों में ये समस्या बची है। मैं मानता हूं कि अगले 2-3 साल में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 4.5 महीने में 112 नक्सली मारे गए हैं, लगभग 450 सरेंडर हुए हैं और 153 अरेस्ट हुए हैं। इतना बड़ा अभियान 5 महीने में। छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर को लेकर लगातार सरकार मुखर है और लगातार बस्तर में एनकाउंटर किए जा रहे हैं। इसको पीडिया में जो एनकाउंटर हुआ उसको कांग्रेस ने फेक बताया और आज इस विषय पर गृहमंत्री अमित शाह का बयान भी है। इस वक्त पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू जी हमारे साथ हैं। गृहमंत्री जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही, क्यों सवाल उठा रही कांग्रेस? कांग्रेस ने कहीं कोई सवाल उठाया नहीं है। घटनाक्रम जिस ढंग से किया जाता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। पहले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, बीच में 5 साल हम लोग आए, उस समय भी एक कार्यकाल केंद्र में भाजपा की रही है, तो उस समय ये घटनाक्रम क्यों नहीं हुआ, उस समय उन लोगों ने क्यों ये कार्यवाही नहीं की और कार्यवाही करने के तरीके पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अगर नक्सली मूवमेंट को खत्म करने के लिए अगर कटिबद्ध हैं और कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात, स्वागत योग्य बात है कि छत्तीसगढ़ से नक्सली मूवमेंट खत्म हो, छत्तीसगढ़ की जनता सुख शांति से रहे, खुशहाल रहे, इसमें कहीं कोई प्रश्न का नहीं है। प्रश्न रहता है जैसे इनकाउंटर हो गया या सरेंडर हो गया तो इस पर रहता है, क्योंकि पिछले 5 साल जो हमारे कार्यकाल रहा है उसमें सर्वाधिक नक्सली सरेंडर किए हैं, सर्वाधिक नक्सली मारे गए हैं, हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं, बड़े बड़े इनकाउंटर जो हुआ है, एक भी आदिवासी या एक भी आम आदमी को गोली नहीं लगी है हमारे पूरे 5 साल के कार्यकाल में। और अभी जो लगातार इनका इनकाउंटर चल रहा है या कुछ कार्य हो रहा है तो कहीं गरीब लोग गोली के शिकार हो रहे हैं, कोई मारे जा रहे हैं, इस प्रकार की बातें आ रही है, तो इसलिए ये बात उठाया गया है। प्रश्न चिन्ह अच्छी बात है, अगर यहाँ नक्सली उन्मूलन वो लोग कर लें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो नक्सल गतिविधियां खत्म होनी चाहिए, इस बात का तो सभी समर्थन करते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने भी अपने कार्यकाल के दौरान मजबूत कदम उठाए थे, विश्वास विकास सुरक्षा के मंत्र के आधार पर इसके उन्मूलन की रणनीति तैयार की थी, ये कहना है पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का।
कैमरामैन मुलकित सिंगल के साथ गौरव शर्मा, IRS 24/7 जयपुर। बिलासपुर के मंथन सभा कक्ष में अरपा रिवाइवल कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जहां अरपा के पुनर्जीवन के संबंध में कार्यों में आई प्रगति की समीक्षा की गई है। बैठक में कलेक्टर, निगम आयुक्त और गठित उप समिति के सदस्य शामिल हुए। नगर निगम कमिश्नर ने बैठक में प्रस्ताव दिया है कि IIT के स्कॉलरों को अरपा नदी की परिस्थितियों से अवगत कराया जाए। उन्होंने आगे बताया है कि शहर के सभी 70 नालियों के दूषित पानी को नदी में जाने से रोकने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है, 3 चरणों का चुनाव अब भी बाकी है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, सियासी दलों के बीच तल्खी और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। छत्तीसगढ़ में मतदान होने के बाद भी सोशल मीडिया पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। भाजपा ने कांग्रेस पर कार्टून अटैक पर तीखा हमला बोला, जिसकी अब कांग्रेस ने भी निंदा की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। लोकसभा के महामुकाबले में भाजपा लगातार कांग्रेस पर हिंदुओं की संपत्तियों को लूटकर अल्पसंख्यकों को देने का आरोप लगा रही है। अब भाजपा ने एक वीडियो पोस्ट कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। वीडियो में राहुल गांधी के कार्टून कैरेक्टर को एक महिला से पर्स लेकर मुस्लिम व्यक्ति को देते हुए दिखाया गया है। वही कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ कैप्शन के साथ इस वीडियो को पोस्ट किया गया है। पोस्ट होने के बाद इसे सोशल मीडिया में बड़ी संख्या में लोगों ने देखा है। इसी के साथ इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा जहां इस वीडियो के माध्यम से कांग्रेस के तुष्टीकरण को दिखाने की बात कह रही है, तो वही भाजपा के सांसद सुनील सोनी कहते हैं कि कांग्रेस के बयानों से स्पष्ट है जिहादियों पर कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस की दिशा और दशा कहीं नहीं दिख रही है। वही कांग्रेस भाजपा के इस वीडियो की निंदा करती नजर आ रही है। PCC चीफ दीपक बैज कहते हैं कि 4 चरणों के चुनाव के बाद भाजपा को हार का एहसास हो गया है, इसलिए इस तरह की वीडियो बनाकर पोस्ट कर रही है। लेकिन अब भाजपा के ऐसे वीडियो का जनता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं आज छत्तीसगढ़ में, जिस प्रकार की भाषा का उपयोग राहुल गांधी जी, सोनिया जी और उनके बड़े नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर किया है, तो इससे साफ दिखता है कि जिहादियों के साथ में, आतंकवाद के साथ में, नक्सलवाद के साथ में इनका हाथ है और ये पनपने देना चाहते हैं, इसको प्रश्रय देना चाहते हैं। ये अपने आप में प्रमाणित हो रहा है। आज जब नक्सल कमांडर जिस चीज को स्वीकार कर रहा है और ये बैठकर बयानबाजी देकर उसको फर्जी इनकाउंटर बता रहे हैं, इनकी सोच क्या है, ये अपने आप में स्पष्ट हो गया। धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो कभी खुलेआम किसी धर्म को मंच से बोल रहे हैं। जब हार साफ साफ नजर आ रही है तो वो कह रहे हैं कि किसी धर्म को हिंदू मुस्लिम करना मेरे लिए ठीक नहीं है। मतलब सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री दिन में कुछ और बोल रहे हैं और रात में कुछ और बोल रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री की मनोस्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि चौथे चरण के बाद कि वो देश की जनता के सामने कैसा फेस अपने आप को प्रोजेक्ट कर सके। अपने मुद्दों को जनता तक पहुंचाने के लिए दोनों ही पार्टियां लगातार सोशल मीडिया और कार्टून कैरेक्टर्स का सहारा ले रही है। इसी क्रम में भाजपा के वीडियो ने सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कांग्रेस एक बार फिर से भाजपा पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसका मतदाताओं पर कितना असर पड़ता है। रायपुर से IIS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो इधर पूर्व गृह मंत्री तापदर साहू के बयान पर सांसद सुनील सोनी ने पलटवार किया है। उन्होंने तापदर साहू पर तंज कसते हुए कहा है कि गृह मंत्री के रूप में उनका 5 साल तक कोई रोल था क्या, पहले ये स्पष्ट करें। 5 सालों में उन्होंने नक्सलवाद को लेकर कोई नीति स्पष्ट नहीं की है। भाजपा की स्पष्ट नीति है, हिंसा बंद होगी तो बात करेंगे। अमित शाह ने एक तरफ तारीफ की है नक्सलवाद को लेकर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है, वहीं ताम्रध्वज साहू का ये कहना है कि नक्सलवाद को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। ताम्रध्वज साहू जी का 5 साल
होम मिनिस्टर के रूप में रोल था क्या, पहले इसको स्पष्ट करें। कभी इन्होंने नक्सलवाद पर 5 साल में कभी बयान दिया क्या, कोई नीति स्पष्ट की क्या? और स्पष्ट नीति है, अगर हिंसा बंद होगी और हिंसा बंद करके बात करना चाहेंगे तो सरकार बात करने को तैयार है। विष्णुदेव साय जी ने कहा इस बात को, और हिंसा भी करेंगे और बात भी करेंगे, दोनों चीज़ नहीं होगी। तो उसमें 100 से अधिक नामी जो नक्सली हैं उसको एनकाउंटर करके मारा है हमारे जवानों ने, उनको मैं बधाई दूंगा, और कुछ जवान हमारे शहीद भी हुए हैं। तो ये फाइनल लड़ाई जब सरकार लड़ रही है, ये डबल इंजन की सरकार जो है अब नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ इसके अभियान में निकली है, तो इसकी तारीफ होना चाहिए। सियासत नहीं है ये, किसी दल का नहीं है, और नक्सल अगर समाप्त होगा तो हमारा जो बस्तर एक स्वर्ग है, वो एक पूरी देश और दुनिया के अंदर में एक पर्यटन का स्थल बनेगा। तो अच्छी सोच के साथ में तारीफ करना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। और राजनीति ऐसी कर रहे हैं जो आपने कभी नक्सल के बारे में, नक्सलवाद के बारे में, या शहीद हो रहे उसके बारे में बयान ही नहीं दिया, कार्रवाई तो दूर का बात है। ये कांग्रेस लगातार ये भी आरोप लगा रही है कि भोले भाले ग्रामीणों को मारा जा रहा है। जिन नक्सलियों को मारा उसकी फोटो जारी कर दिया, खुद नक्सल कमांडर ने कहा कि इतने लोग हमारे मारे गए हैं, फिर और क्या सबूत होता है? वैसे ही हुआ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पे, जो कांग्रेस पार्टी केंद्र में सहयोग सबूत मांग रही, वैसे यहाँ ये कर रहे। तो इनका चाल चरित्र जो है वो छत्तीसगढ़ से लेकर देश तक के एक समान है, उसकी हम परवाह नहीं करते। हमारी नीति स्पष्ट है, नियत स्पष्ट है, और हम शांति चाहते हैं। शांति के साथ में जो लोग सरेंडर करना चाहते हैं उनका स्वागत है, सरेंडर करें, मुख्य धारा से जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम स्पष्ट नीति के आधार पर चल रहे हैं। इसलिए जो नक्सल मूवमेंट से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको सोचना चाहिए और देश की मुख्य धारा में अपने आप को समाहित करना चाहिए। बिल्कुल, सांसद सुनील सोनी जिनका ये कहना है कि बस्तर में जो है छत्तीसगढ़ सरकार शांति चाहती है और इसको लेकर लगातार वहाँ पर काम भी किया जा रहा है, साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस इस पर बयानबाजी कर रही है उसको लेकर भी उन्होंने तंज कसा है। कैमरामैन रिजवान के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, आईएनएस न्यूज़ रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ की महिला शक्ति अब दूसरे राज्यों की कमान संभालने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि जिन राज्यों में लोकसभा चुनाव संपन्न नहीं हुए हैं उन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस की महिला नेत्रियां अब प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी। इसके लिए महिला नेत्रियां रवाना भी हो गई हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव के 3 चरणों के चुनाव बाकी हैं। जिन राज्यों में मतदान संपन्न हो चुका है वहां के नेताओं की ड्यूटी मतदान होने वाले राज्यों में लगाई जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के महिला पदाधिकारी को दूसरे राज्यों में प्रचार प्रसार की कमान सौंपी है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के नेतृत्व में 3 टोलियों को अलग अलग राज्यों में प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया है। वहीं कांग्रेस ने भी फिलहाल 2 नेत्रियों को हिमाचल प्रदेश भेजा है। महिला नेत्रियों को जिम्मेदारी, बिहार, हरियाणा और उड़ीसा में भाजपा महिला मोर्चा को जिम्मा। 3 टोलियों में भेजी गई महिला मोर्चा की टीम। महिला मोर्चा में 15-15 लोगों की टोली भेजी गई। मोदी और राज्य की भाजपा सरकार के कामकाज का करेंगी बखान। उड़ीसा में महिलाओं को महतारी वंदन योजना की देंगी जानकारी। कांग्रेस ने 2 महिला पदाधिकारी को दी हिमाचल की जिम्मेदारी। पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया और पूर्व सांसद छाया वर्मा को जिम्मा। मोदी सरकार की विफलता गिनाएंगी कांग्रेस की महिला पदाधिकारी। 5 माह में हमने प्राय पूरे वादे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए हैं। मोदी जी की गारंटी पूरी हुई है और इस गारंटी पूरी हुई है उसको बताने के लिए हमारी महिला मोर्चा की टीम पूरे इन 3 प्रदेशों में जाकर बताएंगी और जो जिम्मेदारी उन्हें मिली हुई है उन्हें पूरा करके आएंगी। हमारा जो संकल्प है अब की बार 400 पार, इसको
पूरे अपनी जिम्मेदारियों को पूरे वहन करते हुए हमारी महिला मोर्चा की टीम काम करेगी। कांग्रेस जो कहती है वो करती है, तो निश्चित रूप से हमारी माताएं बहनें जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार के लिए जुटी हुई हैं, वो बखूबी अपना कार्य कर रही हैं और वो कांग्रेस की 5 न्याय और 25 गारंटियों को बूथ लेवल तक के पहुंचाने का कार्य करेंगी और जनता कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी। देश में महिला मतदाताओं की निर्णायक भूमिका से भला कौन इनकार कर सकता है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस ने महिला पदाधिकारियों को दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए भेजा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनके प्रचार से पार्टी को कितना फायदा मिल पाता है। रायपुर से INH 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशन चल रहा है। बीते 5 महीने में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में 112 नक्सलियों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अब इसे लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने भी राज्य सरकार की पीठ थपथपाई है, साथ ही एनकाउंटर को फेक बताने वालों के लिए भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। देखिए, छत्तीसगढ़ में बीते 5 महीनों में नक्सलवाद के खिलाफ जंग तेज हुई है। 112 नक्सली जहां मौत के घाट उतारे गए, वहीं 450 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इतना ही नहीं, 153 नक्सलियों को अरेस्ट भी किया गया है। नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की लड़ाई और राज्य सरकार की भूमिका की गृह मंत्री अमित शाह ने भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि बीते 5 महीने में नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चलाया गया है। वे दावा भी करते हैं कि अगले 2 से 3 सालों में देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद एक बार फिर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जहां गृह मंत्री की सराहना के लिए सोशल मीडिया में पोस्ट कर उनके प्रति आभार जताया, वहीं विपक्ष पर हमला भी बोला, जिसका कांग्रेस ने प्रतिवाद किया है। छत्तीसगढ़ के 3-4 जिलों में ये समस्या बची है। मैं मानता हूं कि अगले 2-3 साल में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 4.5 महीने में 112 नक्सली मारे गए हैं, लगभग 450 सरेंडर हुए हैं, 153 अरेस्ट हुए हैं। इतना बड़ा अभियान 5 महीने में नहीं। अगर नक्सली मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए अगर कटिबद्ध हैं और कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात, स्वागत योग्य बात है कि छत्तीसगढ़ से नक्सली मूवमेंट ख़त्म हो, छत्तीसगढ़ की जनता सुख शांति से रहे, खुशहाल रहे, इसमें कहीं कोई प्रश्न का नहीं है। प्रश्न रहता है जैसे इनकाउंटर हो गया या सरेंडर हो गया तो इस पर रहता है, क्योंकि पिछले 5 साल जो हमारे कार्यकाल रहा है उसमें सर्वाधिक नक्सली सरेंडर किए हैं, सर्वाधिक नक्सली मारे गए हैं, हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं, बड़े बड़े इनकाउंटर जो हुआ है, एक भी आदिवासी या एक भी आम आदमी को गोली नहीं लगी है हमारे पूरे 5 साल के कार्यकाल में। कि कांकेर की घटना जो 3 निर्दोष आदिवासियों को गोली मारा गया, क्या फर्जी एनकाउंटर नहीं था? उस पर सरकार अभी तक क्यों जवाब नहीं दे रही है? जिनके राशन कार्ड, जॉब कार्ड, आधार कार्ड सभी चीजें हैं, गांव वालों ने कहा फर्जी एनकाउंटर है। निश्चित रूप से हम उन गांव वालों के साथ, ग्रामीणों के साथ खड़े हैं, उन आदिवासियों के साथ खड़े हैं। सरकार उस पे जवाब अभी तक क्यों नहीं आई? छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी है। सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों की मांद में घुसकर उनका सफाया कर रहे हैं। ऐसे में जहां अगले कुछ सालों में नक्सलवाद के अंत को लेकर उम्मीद जागी है, वहीं फेक एनकाउंटर को लेकर सियासत भी तेज है। ऐसे में कोशिश यही होनी चाहिए कि हार्डकोर नक्सलियों का सख्ती से सफाया तो हो, लेकिन कोई निर्दोष पुलिस और नक्सलियों की गोलियों की चपेट में ना आए। रायपुर से INH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।